साथियों, यह मेरा दूसरा मौका है रिसर्च फोरम की ओर से मेरे लिए आयोजित मेरी ओर से तय किए गए विषय पर एक विशेष संवाद के लिए। इसके लिए मैं आप श्रोता और दर्शक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं और साथ ही विशेष आभार दीवान जी को, जिन्होंने पुनः एक छोटी सी जगह पर जो कुछ मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसे व्यापक स्तर पर ले जाने का मौका देने के लिए। दोस्तों, आज मेरे संवाद का शीर्षक ही है स्त्री विमर्श का बाई प्रोडक्ट, घरेलू महिला कामगार का अस्मिता संदर्भ। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं इस विषय के मुख्य जो बिंदु हैं उस पर दो चार बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि स्त्री विमर्श इतना घिस और पिट चुका पदबंध है कि बहुतों को उबकाई आती है इस विमर्श शब्द से ही कि भला इससे क्या होने का है। लेकिन यह भी जान ले कि इसके बिना और कोई चारा भी हमारे पास नहीं है, बशर्ते विमर्श की जो मूल प्रकृति है, उसका जो मूल स्वभाव है, उसको हम जाने समझे और चलन में जो इसका स्वभाव बनता जा रहा है उसका संस्कार करें, उससे परहेज करें। विमर्श का मतलब सिर्फ बहस नहीं है। बौद्धिक जमात में स्त्री विमर्श के क्षेत्र में खासकर बौद्धिकता को सहानुभूति का पर्याय बना दिया है और बिना सोचे समझे, मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि अपने अपने स्तर पर सभी सोचते समझते हैं, लेकिन अपनी सोच और समझ को सहानुभूति का रंग देते चले जाना भी स्त्री विमर्श नहीं है। या तो ऐसे कहने को बहुत कुछ इस पर कहा जा सकता है। विमर्श पर इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जहां दो पक्ष हो और दोनों पक्षों के बीच जो संवाद है एक दूसरे के अनुकूल ना होकर भी पारस्पर्य में इन दोनों के संवाद एक सकारात्मक संभावना की ओर हमें ले चले, तो दो पक्ष के विरोधी संवाद होने के बावजूद एक सकारात्मक संभावना दिखाए तो यहां एक विमर्श बनता है। लेकिन बहुत मुश्किल है इस पक्ष को बनाए रखना, खासकर स्त्री विमर्श में, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला या तो स्त्री है या पुरुष है, इसलिए यह मामला पर्सनल हो जाता है। जी, तो बात इतनी सी रही कि विमर्श में दो पक्ष है और इन दोनों के परस्पर संवाद एक सृजनात्मक संभावना की ओर हमें ले चले, तभी जाकर विमर्श खड़ा हो पाता है। और दूसरी बात यह है, स्त्री विमर्श को मैंने यहाँ रखा है तो इसमें स्त्री और पुरुष परस्पर आमने सामने होने पर किसी भी विचार को व्यक्तिगत स्तर पर ले लेते हैं, इसलिए स्त्री विमर्श के मामले में हमें विशेष गहराई और धैर्य की जरूरत महसूस होती है। लेकिन चूंकि यह विमर्श सिर्फ स्त्री विमर्श तक आज नहीं टिका रहेगा बल्कि उसके एक खास आयाम की ओर हम बढ़ेंगे, इसलिए मैं उस ओर चल रहा हूं कि स्त्री विमर्श का जो बाई प्रोडक्ट वह है घरेलू कामगार। इसमें सीधा मेरा आशय यह है कि स्त्री विमर्श के दौरान स्त्री विमर्श से स्त्रियां लाभान्वित हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी बदला नहीं है। और जो यह समझते हैं कि इस विमर्श से कुछ भी नहीं बदला, उनके लिए मैं एक ही आग्रह करूंगा
कि कृपया अपनी नानी या फिर उसके पहले परनानी तक के ही समय को याद करें कि उस समय में और आज के समय में आपके जीवन के साथ चल रही स्थितियों में कोई अनुकूल बदलाव आया है या नहीं। यदि आया है तो अवश्य ही इस विमर्श का कहीं ना कहीं योगदान है और इस योगदान के तहत ही सशक्तिकरण की बात मुख्य रूप से आ पड़ी। और हम माने या ना माने, जब आज के समय में सबसे बड़ी सत्ता अर्थ है, रुपया पैसा है, तो ऐसे में जिसके पास जितना अधिक यह संसाधन है वह उतना ही शक्तिशाली है। इसी दिशा में यदि स्त्रियों के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की योजना तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा यदि बनाई गई है तो यह स्वाभाविक है, इसे लेकर हमें कोई दिक्कत या किसी तरह की परेशानी महसूस भी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि इस विमर्श से आखिर क्या ऐसा निकला जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी एक प्रोडक्शन तो हुआ कि स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार हुई। आप इसकी कल्पना कर लें कि आज बलात्कार जैसी घटनाओं के बाद स्त्रियां शर्मिंदगी महसूस नहीं करती, बल्कि बड़े साहस के साथ प्रशासन के पास, राजनीति में, समाज के पास अपनी आप बीती सुनाती है और पूरा का पूरा समय उसके साथ खड़ा भी होता है। इसलिए नजरिया जो बदला, यह कोई अचानक घटने वाली बात नहीं है। इसी तरह से अन्य अनेक सृजनात्मक कह ले, सकारात्मक कह ले, संभावनाएं बनी हैं स्त्री विमर्श के साथ। लेकिन एक जो संभावना दिखी स्त्रियों के अनुकूल, स्त्रियों की सुविधा में, उसका एक सकारात्मक, नकारात्मक या कुछ द्वंद्वमूलक परिणाम हम देख पाते हैं घर परिवार में। और इसका एक छोटा सा झलक, छोटा सा एक उदाहरण ले ले, इस लॉकडाउन के दौरान पुरुषों के द्वारा घर का काम काज किया जाना एक कॉमेडी की तरह लिया गया। एक वीडियो में देखने को मिला कि एक बर्तन मांज रहे पुरुष से कहा गया कि आपके पास दो ऑप्शन है, पहला कि आप इसी तरह से अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताएंगे। वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन जैसे ही कहा गया कि दूसरा ऑप्शन है तो उस पुरुष ने बिना ऑप्शन सुने कहा दूसरा दूसरा दूसरा। आखिर क्यों, पहले से इतनी विरक्ति क्यों? यह एक बहुत बड़ा, सिर्फ मजाक नहीं है, बहुत बड़ी सच्चाई इसमें छिपी हुई है कि एक तरफ घरेलू काम के लिए जो संस्कार बने हैं हमारे समाज में, वह अधिक से अधिक स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के पक्ष में, और दूसरा बाहर का जो काम है वह पुरुषों के पक्ष में। इस बंटवारा के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि घर के कामकाज को लेकर हमें एक अतिरिक्त काम वाले की या काम वाले की जरूरत पड़ गई? तो इस दिशा में इतना मैं कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर कि घर के काम के प्रति, विशेषकर जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्रियां हैं, उनकी सोच पहले जैसी नहीं रह गई। इस विमर्श ने यह अनुभव कराया कि घर का काम पतियों का आदेश है पत्नियों के लिए, और उस आदेश का पालन करते हुए स्त्रियों ने महसूस किया मानो वह गुलाम तो नहीं। इसलिए अपने पति के संदर्भ में घर के काम को पति का आदेश मानने का यह चलन बन पड़ा। हो सकता है कि ऐसा रहा है परंपरा में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब से समर्थ हुई है बौद्धिक और आर्थिक रूप से स्त्रियां, तो यह एक धारणा बन गई कि आखिर हम क्यों किसी के गुलाम रहे। दूसरी तरफ यह बात आती है कि अब यदि वह पति के आदेश के रूप में घर के काम को न ले, तो जाहिर सी बात है कि पतियों को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, और
यही स्थिति टकराहट वाली आती है, अहम का टकराव भी होता है, पतियों को बीवी का गुलाम भी घोषित कर दिया जाता है। ये सारी चीजें ऊपर ऊपर की है। जहां मैं आना चाह रहा हूं वह यह कि अब यहां घरेलू कामगार की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है कि पति पूरी तरह से दक्ष होकर घर का काम करेंगे नहीं, और घर का काम जरूरी भी है तो ऐसे में घरेलू कामगार की जरूरत पड़ती है। और पूरे विश्व का आंकड़ा उठाकर देख लें तो जिस किसी भी देश को ले वहां महिलाएं ही अधिक से अधिक शामिल है ऐसे काम में। जब महिलाएं ही अधिक से अधिक ऐसे काम में है तो फिर सोचना पड़ा मुझे कि आखिर इन महिलाओं के घर में एक कामगार के रूप में प्रवेश करने के बाद कैसा माहौल बनता है। तो सबसे पहले एक बात कहूं कि कामगार की अस्मिता की बात हो रही है, और कामगारों के कारण जो अस्मिता संदर्भ जन्म ले रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो साथियों, अस्मिता शब्द जितना कॉमन है उसको समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अस्मिता पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक वाक्य, किसी के भी होने और समझे जाने के बीच जो द्वंद्व चलता है, स्त्री क्या है यह पुरुष समझता है और वह क्या है वह खुद समझती है, इन दोनों का द्वंद्व अस्मिता का मामला सामने लाता है। इसी तरह से जब घर में काम वाली आती है तो वहां एक स्त्री और आ चुकी रहती है। पहले पहल इन दोनों के बीच ही इस अस्मिता के संदर्भ को हम समझें कि काम वाली को घर की मालकिन यानी महिला सदस्य क्या समझती है और काम वाली खुद को क्या समझती है। महिला कामगार काम के प्रति क्या सोचती है और घर की मालकिन सदस्य जो है वह काम को किस नजरिए से लेती है, इस पहेली को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे जो वजनदार पहलू यह है कि कामगार भले ही हमने कह दिया घरेलू काम करने वालों को, जिसे सहायिका भी माना गया है, लेकिन हकीकत में क्या है, नौकर नौकरानी से कामगार का संबोधन उन्हें मिला। अब वो नौकर नहीं है, लेकिन उसके प्रति सोच क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करें। मृदुला गर्ग ने लिखा है कि जमाना भले ही बदल गया हो, शब्द भले ही बदल गए, लेकिन काम वालों के प्रति, घरेलू नौकरों के प्रति जो हमारी सोच है वही गुलाम वाली सोच है। एक सच यह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ बात आती है कि जब उसे हम आज भी गुलाम की तरह ही लेते हैं तब उसकी गुलामी के लिए कोई आंदोलन, कोई संघर्ष, कोई बहस क्यों नहीं छिड़ रही है। तो मेरा यह मानना है कि आज के समय जब तक राजनीति का विषय ना बन जाए तब तक उसे साहित्य का भी विषय बनाने में ऐसा लगता है जैसे परहेज करते हैं हमारे साहित्यकार। अंगुलियों पर गिन सकते हैं कि कितनी रचनाएं हैं घरेलू कामगार को केंद्र करके रची गई। घरेलू कामगार एक असंगठित कार्य क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं, और असंगठित होने के कारण ही इस क्षेत्र को लेकर कोई संवैधानिक ढांचा विकसित नहीं हो पाया है। घरेलू कामगार अधिनियम संसद में पड़ा हुआ है, अब देखा जाए कब तक उस पर कोई निर्णय आ पा रहा है, लेकिन जब तक इसे राजनीति का फायदे और नुकसान वाला विषय नहीं बनाया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई गंभीर पहल की जाएगी। समाज शास्त्र में बहुत ही गंभीर प्रयास है जबकि साहित्य के क्षेत्र में बहुत कम। और इस क्षेत्र में मैं एक साहित्यकार का नाम लेना चाहूंगा जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक प्रेम और काम में उलझा कर रख दिया गया, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने जीवन के कई ऐसे आयामों को स्पर्श किया है
जिनसे उनकी लेखकीय अस्मिता को अवश्य ही संपूर्णता में देखा जाना आज भी एक चुनौती है हमारे लिए। दूसरी तरफ इस दिशा में गीताश्री की कहानी है, डाउनलोड होते हैं सपने, बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे मैं आगे जिक्र करूंगा। उपन्यास है कृष्ण बलदेव वैद्य का एक नौकरानी की डायरी। आलू अंधारी के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही चर्चित है, लेकिन कठगुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। उसमें नर्मदा एक घरेलू महिला कामगार है, उसकी चर्चा नहीं होती, बहुत कम होती है। इसी तरह से कुछ नए कथाकार जिनका कभी नाम भी हमने नहीं सुना होगा, कविता वर्मा एक है, जिनकी एक कहानी है अब नहीं रुकूंगी। कैसे मध्यवर्गीय परिवार में एक महिला कामगार के साथ किस तरह का आचरण होता है, इसे हम देखेंगे। इसके अलावा और भी कई रचनाएं हैं जिनका जैसा अवसर बन पड़ेगा वैसा मैं उसका उल्लेख करूंगा अपने साथियों के लिए। सबसे पहली बात कि स्त्री विमर्श जैसे संदर्भ से लाभान्वित या कुछ अनुकूल माहौल बना पाने में समर्थ जो महिलाएं हैं उनका घरेलू महिला कामगार के साथ कैसा नाता है, तो पहली बात कि इन दोनों के बीच मुख्य संदर्भ है घर का काम। मैंने पहले ही जिक्र किया कि घर का काम पत्नियों के लिए घर की जरूरत नहीं बल्कि पतियों का आदेश मालूम होता है, इसलिए वो क्यों करे, क्योंकि अब वह भी कमाने लग गई है। और मध्यवर्गीय परिवार की बात करूं तो मध्यवर्गीय परिवार में जिसे हम समर्थ आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो खुद को समर्थ पाती है पत्तियां, उसे बराबरी के हक अदायगी के रूप में देखा जा सकता है। वो सिर्फ बराबर है, उसका क्या दायित्व तो पड़ता है, अकेले में कुछ भी तय कर पाना संभव नहीं है। बात इतनी सी रहती है कि कैसे और किस तरह से उनका वर्चस्व परिवार में बना रहे, इस कारण से स्थितियां उलट रही हैं, पहले जैसी अब नहीं रह गई है। विशेषकर एक मामला जो बनता है वह यह कि काम को लेकर एक तरफ घर की मालकिन सदस्य मानकर चलती हैं कि यह तो पुरुषों का आदेश है, तो दूसरी ओर घरेलू कामगार महिला जो होती है वह मानकर चलती है कि एक गंदा काम है, छोटा काम है, हीनता का बोध उसे होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के समय में जो घरेलू महिला कामगार हो या पुरुष जो भी हो, वे अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, उसके लिए हर संभव चेष्टा करते हैं कि उसे इस तरह की नौबत नहीं झेलनी पड़े। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक बढ़ई अपने काम को अपने बच्चों को भी देना चाहता है, क्या घरेलू काम करने वाली एक औरत कभी चाहेगी कि उसकी बच्ची भी उसी काम को करे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह मामला यहां उलझा हुआ है कि जिस काम को न तो घर की मालकिन सदस्य सम्मान के साथ लेती हैं और ना ही काम वाली सम्मान के साथ लेती है, ऐसे में उसी काम को करके काम वाली सम्मान पाना चाहती है ना, यह अंतर विरोधी संदर्भ, फिर कैसे उसे सम्मान मिले। इसलिए इतना मानकर चले कि घर का जो काम है वह घर की जरूरत के रूप में अब नहीं रह गई है, विशेषकर मध्यवर्गीय परिवारों में। और जब घर की जरूरत नहीं है तो फिर आई बात गई बात, मध्यवर्गीय परिवारों को उठाकर देख ले, लाखों रुपए कमाने वाले पतियों को भी स्वादिष्ट भोजन नसीब हो इसमें संदेह है, क्योंकि काम वाली पर ज्यादा अत्याचार करे तो वह छोड़कर भाग जाएगी और घर वाली पर तो फिर वह आदेश किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब सभ्य समाज का वह पुरुष है, जीव है, सभ्य समाज का जीव है।
पहले का जमाना तो रही नहीं कि डांट फटकार कर अपना काम करवाए या घर का काम करवाए। अब ऐसे में चुपचाप बने रहना पड़ता है। समझ लीजिए कि यदि महिला कामगार परमानेंट हो घर में, तो समझिए दो औरतों के बीच पतियों की दशा सैंडविच की तरह बनी रहती है। यह बात हो सकता है अटपटी लगे, लेकिन यह एक पहलू है। अभी दूसरे पहलू पर मैं आऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं कि कैसे एक मालकिन सदस्य यानी कि महिला सदस्य परिवार की कामवाली के साथ पेश आती है। इस सिलसिले में मैं कहानी का उद्धरण रखना चाहूँगा, विशेषकर कि एक अनाड़ी कहानी है मृदुला गर्ग की, जिसमें सुवर्णा 12 वर्ष की बच्ची है और वह एक घर में काम करने आई है। तो एक 12 वर्ष की बच्ची की सोच क्या है? ध्यान देने की बात है कि महिला के रूप में चाहे बच्ची हो या युवती हो या वृद्धा हो, मालकिन को क्या कहती है पता है? मोटी बीवियां, कुतिया, मोटी, इस तरह के संबोधन, इस तरह के संबोधन काम वाली की ओर से घर की मालकिनों को यदि मिले, तो आप कल्पना करें कि आपका क्या अस्तित्व ठहरता है उसकी नजर में। तो यह जो संबोधन है मन ही मन ये देती रहती हैं, इसका जिक्र कठगुलाब उपन्यास में भी है और एक नौकरानी की डायरी बलदेव वैद्य, कृष्ण कृष्ण बलदेव वैद्य के उपन्यास में भी है। तो इस तरह के संबोधन को सुनना तो कोई पत्नी चाहेगी नहीं, कोई स्त्री चाहेगी नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि इस तरह के संबोधन बनते हैं इनके बारे में। अब दूसरी बात कि आखिर ऐसी महिलाओं को, मालकिन सदस्य जो है, उन्हें किस रूप में लेती है, किस सोच के तहत लेती है काम वाली। 12 वर्ष की बच्ची सुवर्णा मृदुला गर्ग की कहानी अनाड़ी में कहती है कि मालकिन के साथ बहुत पटेगा। क्यों? कहती है कि आलसीन मालकिन है यह, यानी घर के काम के प्रति यदि आलस्य धारण किए हुए है कोई महिला, तो उसकी लाचारी को एक काम वाली अच्छी तरह से समझती है और वह यह मानती है कि कुछ भी हो जाएगा, यह मुझे निकालेगी नहीं, क्योंकि अन्य कामों में तो इसमें फुर्ती है, साज श्रृंगार में फुर्ती है, लेकिन घर का काम नहीं कर सकती है और इसी के लिए मुझे रखा गया है और आज मिलता कहाँ है आसानी से। यह सोच करके वह चलती है। दूसरी तरफ इसी में एक बात आती है कि जब 12 वर्ष की बच्ची बिस्किट मांगती है तो मालकिन दे देती है और वह खाती है। इसलिए देती है कि यदि नहीं देगी तो मन लायक काम वह नहीं करेगी, लेकिन देने के साथ साथ जब कहती है ले मर, जो एक भावना जगती है, इससे उस बच्ची की अस्मिता जगती है। लेकिन जैसे ही यह बच्ची नाखून रंगने की बात करती है, जब मालकिन को देखती है तरह तरह से श्रृंगार करते हुए, तो उसकी भी इच्छा जगती है और जब वह मांगती है नेल पॉलिश, तो इस पर घर का पुरुष सदस्य भी बिगड़ जाता है। बोलती है, कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत, और फिर महिला सदस्य उसे बांह पकड़ के खींचती है और घर से बाहर निकाल फेंकती है। तो अब देखें कि यह जो एक बच्ची कामगार है, उसके भी अपने शौक है, वे शौक बनते कहाँ से हैं? यह भी एक पते की बात है। आज वैश्वीकरण का दौर है और इस वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह के माहौल में हम पाते हैं अपने आप को, वैसा बनाना चाहते हैं। और काम वालों की, कामगारों की, घरेलू कामगारों की स्थिति यह है कि वे मुख्य धारा के बीच रहते हैं। महिला कामगार रहती है अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छी
अच्छी सुविधाएं, जीवन के लिए परम सुख प्राप्त करने के सारे संसाधनों का रख रखाव करती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकती है। ऐसे में उसकी इच्छा तो जगेगी, और इस बात को सबसे मारकता के साथ, सबसे कह सकते हैं कि व्यापकता के साथ यदि किसी ने, किसी कहानी ने उठाई है, तो वह है गीता श्री की कहानी, डाउनलोड होते हैं सपने। ध्यान देने की बात है कि जहां विमर्श ने यह दिखाया कि स्त्री सपने बुनती है, उन्हीं का उपन्यास है हसीदाबाद, कि सपने देखती ही नहीं है, सपने बुनती भी है, और यहां सपने डाउनलोड होते हैं। यह जो डाउनलोड शब्द है, आज डिजिटल वर्ल्ड का है, तो इन महिला कामगारों के विचार के बीच या महिला कामगारों के जीवन में मुख्य धारा यानी मध्यवर्गीय सुख सुविधाओं को लोड होते दिखाया जाता है कि अनजाने ही वे इच्छाएं जगती हैं और वे भी वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसका परिणाम फिर बर्दाश्त नहीं होता है कि काम वाली कान में हमेशा हेडफोन लगाए घूमती रहे घर में। यह संभव नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जिस पर मैं बाद में आऊंगा। तो एक तरफ यह दबाव कि वैश्विक परिवेश में कैसे काम वालियों के भी सपने डाउनलोड होते हो रहे हैं, और इस डाउनलोड होते सपनों के प्रति मध्यवर्गीय परिवार का क्या रवैया है। अब हम आगे इसी दिशा में देखें तो एक और कहानी है मृदुला गर्ग की, किस्सा आज का, जिसमें रामकली भी एक बालिका है, छोटी सी लड़की है, जिसे घर में लाया जाता है काम करने के लिए। और इस कहानी में मैं समझता हूं कि एक तरफ यदि गीता श्री की कहानी है डाउनलोड होते हैं सपने, तो दूसरी तरफ मृदुला गर्ग की कहानी है किस्सा आज का, ये दोनों एक तरफ विमर्श के चरम छोर को दिखाने वाली कहानी है किस्सा आज का, तो गीता श्री की कहानी डाउनलोड होते हैं सपने इस वैश्विक प्रभाव का, यानी एक वैश्विक प्रभाव में महिला कामगार, घरेलू महिला कामगार कैसे जीवन जीना चाहती है, इसको दिखाया गया है। तो मैं आगे आऊं किस्सा आज का कहानी के संदर्भ को लेकर, जिसमें हम यह देख पाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची पर कैसे पूरा का पूरा एक वकील का परिवार निर्भर है। आश्चर्य तो यह होता है देखकर कि महिला कामगारों के मामले में कि उसको कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या काम करवाना है, ये सारे मामले तय करती हैं घर की मालकिनें। अच्छा, मालकिन कहना क्या उचित है ऐसे परिवारों में? इसलिए मैं मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि पुरुष सदस्य यदि कामगारों के लिए मालिक है तो वह मालकिन है, लेकिन घर की मालकिन बनना चाहती हैं और बनी रहती हैं इस मामले में घर की पत्नियां, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहां भी वकीलन है, उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई है, अपने लिए कोई भी काम लेना हो, अपना कोई काम हो, तो उसके लिए भी उस बच्ची पर निर्भर रहती है। आखिर क्यों? उसे किट्टी पार्टी में जाना है, समाज में महिलाओं के बीच अपनी शेखी बघारनी है, अपना सोशल स्टेटस बनाना है, तो इसके लिए एकमात्र उसे साधन या माध्यम या सहारा कह ले दिखती है वह बच्ची। आखिर क्यों? पूरी तरह से ऐसा क्या हो गया है कि जैसे जैसे हमारा समय, हमारा समाज, हमारा परिवार समर्थ हो रहा है आर्थिक रूप से और कथित तौर पर बौद्धिक रूप से भी, वैसे वैसे हमारा घर हमारी ही जो जरूरतें हैं इसके लिए पूरी तरह से निर्भर हो चुका है कामवालियों पर। घर की व्यवस्था हो या किचन की, वह घर के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है। जैसे जिस रूप में काम वाले रखेंगे, हम उस रूप में रहने को आज विवश हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम
एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ मालकिन होने का भाव और दूसरी तरफ सामने एक नौकर के रूप में किसी व्यक्ति को देखे जाने समझे जाने का गर्वबोध गौरवबोध। किस्सा आज का में कहा दिखाया गया है कि वकीलन जो है उसका एक बड़ा ही प्यारा जुमला है, बड़ी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? अपने कपड़े धोना, घर का घर की साफ सफाई, कपड़े को ढंग से रखना, भोजन बनाना, ये सभी काम बड़ी मुश्किल है। अब एक सवाल जन्म लेता नहीं है कि यदि ये सब मुश्किल है तो फिर एक स्त्री का घर में भी कोई काम है या नहीं है। मैं यह मानता हूं कि आज भी बहुत सारी पढ़ी लिखी स्त्रियां घर का काम करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक बार अपने आप से सवाल करें, क्या वे चाहती हैं कि उनकी बेटियां भी घर का काम करें? जो समर्थ है वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करके यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि घर का काम करें। आज मेरे एक मित्र जो कलकत्ता में किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि इस विषय पर या आर्थिक आत्मनिर्भरता वाले विषय पर कहीं अति शिक्षिता आत्मनिर्भर स्त्रियों के बीच किसी गोष्ठी में रहने का मौका मिला, जहां यह निष्कर्ष निकला कि अब जो स्त्रियां आत्मनिर्भर हो गई हैं पूरी तरह से और जीवन की समझ लें कि अंतिम नहीं तो उसके करीबी पड़ाव पर हैं, वे मानती हैं कि घर छूट जा रहा है, घर बर्बाद हो जा रहा है यदि महिलाएं काम कर रही हैं। तो यहां मैं इतना कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि वे काम ना करें, लेकिन काम करते हुए घर को यानी घर और बाहर को कैसे बैलेंस करें, यह बात बहुत ही असंतुलन वाली होती है। और ऐसा भी संभव नहीं है कि अकेले स्त्रियां बाहर और घर के बीच झूलती रहती हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद पाल लेती हैं कि घर वैसे ही चले जैसे कि पुरुष रोटी के लिए आटे की लोई तैयार करे, तब पत्नी बेलेगी और रोटी पकाएगी। ऐसा संभव अभी नहीं है, हो सकता है भविष्य में ऐसा हो जाए। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण दे रहा हूं निम्न वर्ग से। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास चाय बेचने वाली गुमटी पर पति पत्नी चाय बना रहे थे और बेच रहे थे। मैंने पूछा कि घर में कौन काम करता है? पति चुपचाप है, पत्नी कहती है, घर में मैं काम करती हूं, घर का काम मेरे लिए है, इसमें सोचना क्या है? आश्चर्य होता है कि घर के काम को स्त्री उस निम्न वर्ग की अपना काम कहती है, लेकिन बाहर में पति के साथ पति के काम में हाथ भी बटा रही है। हम नहीं कहेंगे पति का काम, बल्कि घर चलाने के लिए जो काम चल रहा है उसमें हाथ भी बटाती है और कहती है कि जो स्त्री भारतीय नहीं होती है वो ऐसा नहीं समझती, वो समझती है कि सिर्फ पैसा कमाना और बाहर काम करना ही स्त्री का काम है, तभी उसमें उसका जीवन सुखी रह सकता है। ये भारतीय और अभारतीय का तुरंत ही उस स्त्री ने मुझे पाठ पढ़ा दिया। जरूरी नहीं है कि हम उनसे सहमत हों, लेकिन यह जो सोच है कि घर का काम हम स्त्रियों के लिए, यह संस्कार बोल रहा है। इस मध्य वर्ग के घरों में जो स्त्रियां हैं उसका यदि संस्कार देखा जाए तो वैसा ही रहा कि घर का काम, और उसके घरों के उसके भाइयों का संस्कार देखा जाए तो आएगा कि वह बाहर का काम। अब सवाल यह है कि शादी के बाद घर के काम में एक स्त्री की भूमिका में पतियों को देखकर जो सुख मिलता है पत्नियों को, उसका कोई जवाब नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। लॉकडाउन में एक चुटकुला का दौर भी चल पड़ा था इसका, लेकिन जब वही काम वाली के संदर्भ में आती है बात, तो किस्सा आज का की बात में कर रहा था कि वह छोटी सी बच्ची इतनी जरूरी हो गई थी मालकिन के लिए कि हम सोचे कि उसके ही बच्चे मातृत्व से महरूम हो चुके रहते हैं, यह एक संकट है। आखिर घरेलू महिला कामगार का कहा जाता है कि मन बढ़ा हुआ है, आखिर क्यों बढ़ा हुआ है? वह जानती है कि यह जो मालकिन है
आलसी है। यदि आलसीन हो मालकिन तब तो काम वालियों की चांदी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान दें कि बच्चे का एग्जाम है और वकीलन कहती है अरे मैं तो भूल ही गई, लेकिन मरी रामकली को तो याद रखना चाहिए था कि बच्चे को दूध नहीं मिला है और कल ही परीक्षा है। अब सोचने वाली बात है कि अपने ही बच्चे अपनी ही माँ के मातृत्व से कैसे महरूम है, सिर्फ इस सोच के कारण कि घर का काम घर की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि इस तरह की स्थितियां हमारे साथी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे घरों में है, लेकिन जिस दिशा में हम जी रहे हैं उसमें यह असंभव नहीं है। और मेरी यह दृष्टि कहती है कि किसी भी समस्या को उसकी वर्तमान स्थिति तक केंद्रित करके हम ना देखें, बल्कि यह देखें कि वह समस्या किस दिशा में ले जा रही है हमें, हमारे समय को। तो समस्या की दिशा में हम समय को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जब तक अभी कम से कम हमारे देश में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की बात में ही यदि अस्मिता की अनुभूति होती है स्त्रियों को, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी विडंबनात्मक स्थिति से बच पाना अभी संभव है। और अंततः होता क्या है कि वह रामकली भी गड्डी लेकर चुपके से गायब हो जाती है, ध्यान देने की बात है। और जब गायब होकर अपनी नानी के पास पहुंचती है तो नई चप्पल, बालों में नई रिबन, हाथ में समोसे लिए पहुंचती है और कहती है कि मालकिन ने खुश होकर हमें दिए हैं। बिल्कुल सही बात है कि उसने गलत किया, लेकिन किए जाने के पीछे बात क्या है, तो उसके भी शौक थे, नई चप्पलें, रिबन, साज सज्जा, खान पान, इन सबों के शौक थे, उनके भी सपने थे, उस बच्ची के भी सपने थे जिसे पूरा करने के लिए उसने घर से नोटों की गड्डी लेकर रफू चक्कर हो गए। अब ऐसी स्थिति में हम आखिर किन संदर्भों को देखें? क्या सीधे सीधे रामकली जैसी बच्ची के कारण ये महिला, घरेलू महिला कामगार का जो समाज है उसे दोषी ठहरा दें? ऐसा भी नहीं है। इतना यह कहना है कि जब मालकिन यानी घर की औरतें घर के काम के प्रति हीनता भाव रखे, पुरुषों का आदेश समझे, उसे घर की जरूरत ना समझे, उसे समझे कि हमारा अस्तित्व इससे बेकार हो जाएगा, जब तक यह सोचती रहेगी तब तक यह संभव नहीं कि घरेलू कामगारों के, घरेलू महिला कामगार के संदर्भ में हमारे परिवार की स्थिति संतुलित रह पाएगी। तो एक यह जो मामला है कि कैसे एक महिला कामगार का घर में शोषण होता है, इसे हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब बात यह भी तो आती है कि ऐसे मध्यवर्गीय परिवार क्या सिर्फ और सिर्फ शोषण ही करते हैं? ऐसा भी नहीं है। कथा साहित्य में इसका जिक्र है, जिसमें मध्यवर्गीय परिवार कुछ अलग ढंग के भी होते हैं। जैसे एक कहानी है उर्मिला शुक्ल की, फिर मिलना कारी, जिसके कई संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी दिखाया गया है कि एक जो कम उम्र की बच्ची काम पर आई थी, जब उसका विवाह हो जाता है वह चली जाती है, उसके परिवार के, उसके समाज के अपने सपने हैं, लेकिन अंत में जब मालकिन से मुलाकात होती है कहीं, जो मालकिन गई होती है राजनीतिक कैंपेनिंग पर, और वहां जब मुलाकात होती है तब वह पूछती है और देखती है कि उसकी क्या स्थिति है, तो जो कारी पढ़ने का मौका नहीं पाई थी वह कारी अपनी बेटी को घरेलू काम में नहीं लगाती है, बल्कि 12वीं कक्षा तक पहुंचा चुकी है और उसे गर्व है इस बात का। इतना ही नहीं,
वही कारी कहती है जब पूछा जाता है कि तुम किसको वोट दोगी, तो उस समय वह अपनी राजनीतिक समझ देती है। और जब मालकिन कहती है कि क्या तुम समझती हो राजनीति को, तो कहती है कि वोट आप भी देती हैं, हम भी देते हैं, हमारे ही वोट से ये नेता बनते हैं। ध्यान देने की बात है, जिस दिन यह राजनीतिक समझ काम वालियों में आ जाएगी, इसके महत्व को वह समझ लेगी और संगठित हो जाएगी, उस दिन काम वालियों का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेगा और फिर संवैधानिक इसका एक स्वरूप खड़ा होगा, ढांचा खड़ा होगा। और जब संवैधानिक ढांचा खड़ा होगा तो वैसे ही काम चलेगा जैसे हम कॉलेज में जाकर काम करते हैं एक नियम के तहत, उसी तरह से काम वाली के लिए भी हर तरह के नियम होंगे घरों में, और फिर यह जो आपस का पचड़ा है वह समाप्त होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, और करीबी समय में कम से कम भारत में तो ऐसा नहीं दिखता, भले ही कहा जाता है कि कम से कम 9,000 महीने देने ही होंगे वेतन काम वालों को घर में, लेकिन जब तक संवैधानिक रूप नहीं लेता तब तक यह संभव नहीं है और यह असंगठित क्षेत्र ही माना जाएगा। तो यहां एक अस्मिता की बात आती है कि एक काम वाली भी समझ रही है, खुश हो रही है अपनी मालकिन से, और इस मालकिन ने अपने दायित्व को निभाया, यह बहुत बड़ी बात है। अब चले इसी मध्य वर्ग का और एक चेहरा देखने। कविता वर्मा की कहानी है अब नहीं रुकूंगी। एक काम वाली है जिसका पति उसे पीटता है, वह अपने यहां लाती है और उस काम वाली को अपने यहां ही परमानेंटली रख लेती है, और वह काम वाली भी बहुत खुश होती है और बहुत एहसानमंद रहती है, पूरे मन से सेवा करती है, और उसे लगता है कि पति जो पीकर पीटता था उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन उसका एक बच्चा भी रहता है भोला, जिसकी याद में वह हर रात रोती है लेकिन मिल नहीं पाती। ध्यान दे, पति से दूर होने का, पति से मुक्त होने का बोध उसे होता है एक मध्यवर्गीय परिवार में यदि जगह मिल जाए तो, लेकिन बच्चे से भी दूर होना पड़ा इसका उसे दुख है। लेकिन माजरा तब सामने आता है कि जिस तरह से पति के द्वारा पीटे जाने पर इस कामवाली को मालकिन ने कहा कि पति को छोड़ दो और मेरे यहाँ रह जाओ, एक ऐसा समय आता है कि इस कामवाली की जो बेटी है शादी होती है और एक वर्ष बाद ही पति से झगड़े होते हैं और पति शराब पीकर पीटता है और वह घर आई हुई है। तब अब वही माँ समझा रही है कि पति के यहाँ ही जाए। तब वह बेटी पूछती है कि जब काम वाली अपने पति से मार खाकर हमारे यहाँ आई तो तुमने उसे रख लिया, उसे जाने से रोका, लेकिन मुझे क्यों भेज रही हो? तब वही मध्यवर्गीय समाज, मध्यवर्गीय मान सम्मान का वह हवाला देती है और इससे भी आगे की बात कहती है कि तुम देखती नहीं हो कि किस तरह से इस काम वाली को मैंने बहला फुसला कर अपने पास रखा है। उसके पति आए भी थे और यह वादा भी किए थे कि वह पीना छोड़ देगा। उसका बेटा भोला दो बार मिलकर मुझसे गया भी है, लेकिन उस काम वाली को कुछ भी पता नहीं है। आखिर क्यों? तो वह कहती है कि मैंने उसे पति और बच्चे से मिलने ही नहीं दिया ताकि वह हमारे पास रहे, और यदि वह चली जाएगी तो फिर हमारे घर का क्या होगा। यह है मध्यवर्गीय मानसिकता। तो एक तरफ उर्मिला शुक्ल की स्त्री सदस्या भी है परिवार की, जिन्होंने कारी को कहा फिर मिलना कारी, और उसके प्रति संवेदनशील है। तो दूसरी तरफ कविता वर्मा की कहानी में जिस मालकिन को दिखाया गया है वह भी एक सच है। तो ये दोनों तरह के सच के बीच हमारा समय, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। इसलिए विशेष करके यह जो बात आती है कि मुख्य धारा के बीच, लेकिन हाशिए का सवाल बनकर रह गया है यह घरेलू महिला कामगार का संदर्भ, यानी कि मध्यवर्गीय सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी इन सुख सुविधाओं को जीने का साहस नहीं भर सकती है, दम्भ नहीं भर सकती है, सपने नहीं पाल सकती है, और उसे वही जीना है। और अंत में जब उस महिला कामगार को पता चला तो कहती है अब मैं नहीं रुकूंगी किसी के भी कहने पर, और अपना जो भी सामान था समेटती है और घर से निकल पड़ती है।
तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि मध्यवर्गीय परिवार में एक महिला महिला कामगार के प्रति कौन सा नजरिया रख रही है। पुरुष सदस्य के द्वारा उसका दैहिक शोषण होता है, यह सच है, लेकिन महिलाओं का घर में किट-किट काम वालियों के प्रति यह एक उससे भी बड़ा सच है। मैं जिक्र करना चाहूंगा उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद का एक नौकरानी की डायरी का, जिसमें काम वाली जो युवती है वह कहती है कि मालिक आते हैं और टैप में बेसिन में हाथ धोने के बहाने मुझसे एक मिनट तक सटे रहते हैं। वह भी नहीं हटती है, सोचती है कि यदि सटे रहने में उनको अच्छा लगता है तो लगे। यह एक स्थिति बनती है, लेकिन मालकिन को कहती है मोटी बीवी, और यह कहती कि मेरी माँ भी कहती है कि मोटी जो बीवियां होती हैं वह बकती ही रहती हैं, अपना काम करती रहो। तो यह जो घर की जो औरतें हैं उसके बारे में काम वाली के समाज का या महिला कामगारों का यह जो सोचना है कि यह मोटी बीवियां हैं, बकती रहती हैं, यह जो संबोधन, यह जान करके कोई भी महिला सदस्य परिवार में जो अपने आप को मालकिन के रूप में लेती है वह कभी भी सहज नहीं रह पाती। यहां उनकी अस्मिता को एक ठेस लगती है, चोट पहुंचती है। अब हम आगे बढ़ें कि आखिर ऐसे में अस्मिता बनती कैसे है। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ यदि किस्सा आज का महिला कामगारों के सपनों की कहानी है, तो महिला कामगारों की निजी अस्मिता की रचना कठगुलाब में नर्मदा के प्रसंग को लेकर है। इससे आगे मुझे एक महिला कामगार की अस्मिता को समझने और समझाने का और कोई माध्यम नहीं मिला है जितना मैंने तलाशा है। नर्मदा बचपन से ही काम करने वाली रही है अपनी माँ के साथ, और वह खुद भी अब वृद्धावस्था में भी पहुँच गई है। उसके दैहिक शोषण के भी प्रयास हुए लेकिन वहाँ से बच जाती है, और फिर एक ऐसे परिवार में आती है जहाँ पुरुष सदस्य को लकवा मार गया है और सारा बिजनेस उसकी महिला उसकी पत्नी संभाल रही है और अपने हिसाब से सफलतापूर्वक संभाल रही है, लेकिन उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स जो बात आती है बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, उसे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे या उसे अपना आधार बनाएंगे। नर्मदा कहती है जब नर्मदा के प्रति खराब आचरण या फिर अनपेक्षित अप्रत्याशित आचरण जब मालकिन नमिता करती है, तब वह कहती है कि तुम्हारे बच्चे के गोमूत्र मैंने किए, मैं ना होती तो इसके बच्चे बन जाते इंजीनियर और डॉक्टर। कहती है इस कुतिया के बच्चे नशेड़ी और गंजेड़ी ही बनते। ध्यान देने की बात है, बच्चे का पालन पोषण किस तरह से घरेलू कामगारों के महिला कामगार के हाथ में है, इसे ध्यान देने की बात है। आखिर क्यों बेखबर है, क्यों बेखबर है यह जो आत्मनिर्भर कह सकते हैं अत्यंत चेतना संपन्न स्त्रियां, वह क्यों बेखबर है अपने बच्चों के प्रति, एक सवाल क्या नहीं बनता। जाहिर सी बात है स्त्री विमर्श में जो उग्र स्त्रीवाद है उसके निकट जाकर ही हम यह देख पाते हैं कि एक स्त्री सदा मातृत्व और पत्नीत्व के बीच से अपने स्त्रीत्व को खड़ा करना चाहती है, और इस कोशिश में क्या कुछ छूटता है, यही है बाई प्रोडक्ट। और यहाँ बच्चे तक निर्भर होते हैं काम वालियों पर। तो नर्मदा कैसे यह महसूस कराती है कि यदि इसका बिजनेस खड़ा हो पाया, यदि इसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन पाए, तो वह मेरी बदौलत यानी नर्मदा के बदौलत, न कि माँ की बदौलत,
यानी कि यदि संस्कार यदि आज मिल रहे हैं बच्चों को, तो घर की महिलाएं जो बाहर व्यस्त है काम धाम में, उसके पास तो समय है नहीं, और ऐसे में घर की काम वालियां ही उन्हें संस्कार देती हैं, उनका पालन पोषण करती है। यदि सही निकल गई तो बच्चे लायक होंगे, और नहीं तो फिर समय के भरोसे। तो इस प्रकार यदि एक महिला कामगार की अस्मिता को समझना हो हमें, या हमारे घरों, हमारे जैसे घरों की पत्नियों को, स्त्रियों को समझना हो, तो नर्मदा के इस कथन को ध्यान में रखें कि नर्मदा कहती है कि मैं ना होती तो बन जाते इस कुतिया के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर। इसी तरह की जो सच्चाई है हमें मृदुला गर्ग के उपन्यास अनित्य में दिखाई पड़ती है। एक तकिया कहानी है चित्रा मुद्गल की, जिसमें दिखाया जाता है कि छोटा सा बच्चा कामवाली के भरोसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि माँ कामकाजी महिला है, उसे काम करना ही पड़ेगा। अचानक रात में जब भी आती है माँ और बच्चे को गोद में लेती है, तो बच्चा बहुत रोता है, कभी भी शांत नहीं रहता है, रात रात भर वह रोता रहता है। आखिर क्यों, सवाल यह है। एक समय ऐसा भी आता है कि उच्च स्तरीय की जांच करवाती है डॉक्टर के पास जाकर के, कि आखिर क्या वजह है कि बच्चा दिन भर, मतलब जब भी हमारे पास होता है, रोता ही रहता है। तो तरह तरह की जांच के बाद कुछ भी परिणाम नहीं आया नकारात्मक, तब डॉक्टर ने पूछा कि आखिर बच्चा दिन में किसके साथ रहता है, तो कहता है काम वाली के पास। बोले ठीक है, तब समस्या यही है। अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतना कहूंगा कि समस्या यह थी कि काम वाली बच्चे को तकिए से लगाकर सुला देती थी और काम करती रहती थी, तो बच्चे को तो माँ का या माँ जैसों का कोई संस्पर्श मिला नहीं। लेकिन जब बच्चा सोए और उससे माँ उसे करीब रखना चाहे ऑफिस से आकर, तो बच्चा रो पड़े, क्योंकि उसे तो आदत है तकिए की। तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे का पालन पोषण कैसे निर्भर हो जाता है काम वाली पर। मैंने जिस कहानी का जिक्र किया, किस्सा आज का, तो आज का ही किस्सा है कि बच्चे को सुबह स्कूल भेजना हो या कोई भी काम हो, तो यह काम वाली पर निर्भर रहता है कि कितनी जल्दी हो पाएगा। तो यह जो एक स्थिति बनती है घरेलू काम महिला कामगारों के संदर्भ में, तो हम सहज ही समझ सकते हैं कि एक महिला कामगार की अस्मिता किस रूप में हमारे साथ जुड़ी रहती है। उनके काम करने से हमारे घरों की सामाजिक मान मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बनती है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा इस बात पे है कि हम उसके इस योगदान को समझें। लेकिन इसके लिए तैयार हम नहीं हो पाते हैं, तो क्यों, इसकी भी एक बारीक वजह मुझे नजर आती है, और वह भी स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ है। सच कहा जाए तो विमर्श में आज स्त्री और पुरुष का मामला मुख्य न रहकर सत्ता का मामला है, और मैं समझता हूं कि सत्ता व्यवस्था ही सर्वोपरि मांग है हर किसी की। सत्ता व्यवस्था यानी सत्ता जो हाथ में है, उसे हम कैसे अपने हित में व्यवस्थित करते रहें आजीवन, यह हमारा लक्ष्य बना रहता है। अब न तो मातृ सत्ता की बात है, न पितृ की सत्ता की। जिसे मातृ सत्ता में हम समझते हैं कि स्त्रियां अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाती थी, आज स्त्रियां भी सत्ता में आते ही एक पुरुष में बदल जाती है। यदि स्त्री विमर्श के तहत स्त्री मुक्ति का मतलब एक पुरुष बन जाना है, वैसा पुरुष जैसे पुरुष से मुक्त होने की चेष्टा करती है स्त्रियां, यह कहीं हमें ले नहीं जा पाएगी, और ऐसी दिशा में हमारी अस्मिता कहीं भी सृजनात्मक रूप नहीं ले पाएगी। इसलिए यह देखने वाली बात है। अब आगे एक पक्ष तो यह रहा कि कैसे घर में महिलाओं के कारण काम करने वाली महिला कामगार है वह परेशान रहती है, लेकिन दूसरा एक पक्ष जो अभी तक शायद लिखा नहीं गया है, न के बराबर लिखा गया, हम मान लें, मैंने पहले ही कहा कि विमर्श का मतलब सहानुभूति की वर्षा करना नहीं है, बल्कि मुद्दे को पक्ष और प्रतिपक्ष के संदर्भ में
समग्रता प्रदान करना ही विमर्श का काम है। लेकिन अभी तक जो बातें हुई कि कैसे काम वालियों का शोषण होता है, ये एक तरफा विचार है, एक पक्ष का सत्य है। अब दूसरे पक्ष का सत्य जरा हम देखें कि क्या है। और चूंकि इस पर लिखा कम गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि मध्यवर्गीय परिवारों के समाज में समझ सकते हैं कि यह घर घर की कहानी है, इसलिए आप सभी सुनकर महसूस कर सकते हैं। एक महिला कामगार जिसके लिए सपने भी लोड हो रहे हैं, और आज का किस्सा है कि उस पर पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा परिवार निर्भर है। ऐसी स्थिति में जब वह जान जाती है कि आखिर ऐसे घर वाले जाएंगे कहाँ, मेरे सिवा इनका कोई आसरा नहीं है, तब उनका आचरण बहुत ही विचित्र होता है। मैं इसका कोई उद्धरण नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस तरह के विषय को लेकर अभी रचनाएं प्रकाश में आई नहीं है। मैं इसलिए संकेत करना चाह रहा हूं कि इसे भी हम समझने की कोशिश करें। एक सहज और सीधी सी बात जो नजर आती है कि एक महिला कामगार से घर का पुरुष सदस्य एक काम को 3 बार 4 बार यदि कहने को कहे तो वह तकलीफ महसूस करेगी, लेकिन करेगी, कर जाएगी। लेकिन उसी काम को एक स्त्री सदस्य परिवार की यदि 4 बार बोल कर देखे तो वह रिएक्ट करती है, आखिर क्यों? और जब एक काम वाले रिएक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है महिला सदस्य की अस्मिता को ठेस पहुंचेगी, और यह आजकल बड़ी तेजी से हो रहा है। तो इसके पीछे एक बात जो मुझे नजर आ रही है कि वर्तमान विमर्श हो या और कोई भी संदर्भ, एक स्त्री कामकाजी होकर अपना अस्तित्व बनाती है और वह किसी की पत्नी मात्र बनकर नहीं रहती है, माँ मात्र बनकर भी नहीं रह जाती, बल्कि वह एक सफल स्त्री होती है, अपने पोस्ट के अनुसार समझी जाती है। लेकिन घर में आते ही, जैसे मैं कहूँगा कि मेरे कई साथी हैं ऊंचे ऊंचे पद पर, और उनकी पीड़ा है पत्नियों के साथ घर में, क्योंकि उनकी पत्नी भी काम वाली है, कामकाजी। एक विचित्र बात नहीं है कि घर वाली काम वाली बन गई है, मतलब कामकाजी महिला बन गई है, तो काम वाली घर में स्थान पा लेती है काम करने के लिए। तो जो महिलाएं घर बाहर भी काम करती है और घर में आकर कुछ कर भी दे यदि, तो उसके लिए जो पुरुष बाहर कितना ही बड़ा काम करे, कितना ही व्यस्त रहे, चाहे जैसे भी रहे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे कुछ साथी हैं, उनका यह दर्द है कि बाहर जितना भी सम्मान मिल जाए, घर में आते ही पत्नियों की नज़र में सबसे फालतू की चीज़ हम ही कहलाते हैं। आश्चर्य होता है कि घर में पत्नियां इतनी बेकार क्यों समझती है हमें, क्योंकि हम घर के काम नहीं करते हैं। इस लॉकडाउन के समय में नायक नायिकाओं को बड़ा गर्व हुआ, लेकिन साधारण जो मध्यवर्गीय परिवार है उसमें पुरुष सदस्यों की क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना ही की जा सकती है। अब ऐसे में हम देखें कि कैसे अस्मिता का मामला यहाँ बनता है। मैंने कहा होने और समझे जाने का द्वंद्व ही है अस्मिता का मूल मुद्दा। अब एक स्त्री आत्मनिर्भर होकर, वह बहुत कुछ है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, समाज सेवी है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब काम वाली के सामने आती है तो वह घर की एक औरत है। इसलिए वह काम वाली भी उम्मीद करती है कि जब एक औरत है तो थोड़ा सा काम तो घर का कर ही सकती है ना, मामला गड़बड़ यहाँ। अब वो कुछ भी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, समाज सेवी हो, नेता हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, एक काम वाली उम्मीद करती है कि चूंकि वह महिला है इसलिए घर का कुछ तो काम कर सकती है। और ऐसे समय में अस्मिता पर ऐसी चोट पड़ती है कि इसका अनुभव मैं समझ सकता हूं कि एक स्त्री ही कर सकती है, पुरुष क्यों करे, संभव ही नहीं है। तो यह एक मामला
बहुत ही विचित्र बनता है, जिस पर कि अभी रचनाएं नहीं आई हैं मेरी जानकारी में। लेकिन ऐसे मुद्दों को, ऐसे संदर्भों को विषय बनाने की जरूरत है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक महिला दूसरी महिला के द्वारा आहत होती है, तो सिर्फ और सिर्फ समाज में जो महिला को लेकर सोच बनी हुई है उसके कारण। तो फिलहाल ऐसा महसूस होता है कि एक महिला कामगार जो घर में आती है काम करने, उससे एक महिला अपने आप को महिलापन से नहीं बचा पाती है, पुरुषों से द्वंद्व करके, संघर्ष करके, उसके काम, उसके द्वारा या उसके लिए काम किए जाने पर जो जनानाकरण का बोध होता है उससे मुक्त हो सकती है। लेकिन एक काम वाली के सामने आते ही वह भी एक स्त्री समझ ली जाती है, जिससे कि वह समझती है कि अब उसकी अस्मिता पर चोट लग रही है। और ऐसी स्थिति में संकट, ऐसी स्थिति में किसकी अस्मिता दांव पर लगती है, अब यह भी सोचने वाली बात है। ऐसी स्थिति में एक पुरुष जो होता है घर का, उसकी अस्मिता सैंडविच की तरह हो जाती है, एक तरफ घर की महिला, दूसरी तरफ महिला कामगार। घर की महिला को सुने तो महिला कामगार नाराज, महिला कामगार की सुने तो घर के महिला के नज़र में घर की महिला नाराज। आखिर ऐसे में वो क्या करे। अब देखिए बात आती है कि स्त्री विमर्श ने स्त्री को जो बोध दिया, जो ऊंचाई दी, जो जगह दी, उसके कारण घर के काम को घर की जरूरत ना समझकर पुरुषों का आदेश समझा गया या पुरुषों की गुलामी समझी गई, और इस आदेश या गुलामी वाले काम को करने के लिए महिला कामगार को रखा गया। और जब उसी महिला कामगार के द्वारा विमर्श से लाभान्वित समर्थित स्त्रियां जब अपमानित होती हैं, मान सम्मान को आहत पाती हैं, तो मान सम्मान चक्कर में पड़ जाता है घर के पुरुषों का, दोनों तरफ से पिसना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। समस्या यहाँ तक कि यदि घरवाली की तरफ से होकर, घर की महिला की होकर के यदि पुरुष कुछ बोल जाए, तो ये जो काम करती है महिलाएं, बाहर की कामगार महिलाएं, उसका अधिकांश पुरुषों को करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या पुरुष तैयार है? ऐसी स्थिति में अवश्य ही यह बात बनती है। देखिए कोई किसी ने कमेंट किया है कि यह पुरुषों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल सही बात है कि आखिर पुरुष क्या करे, एक महिला ही बताए तो अच्छा है, क्योंकि वह तो द्वंद्व में फंसा रहता है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। और एक बात जो सबसे बड़ी विडंबनात्मक होती है, मैं इस पर रखूं कि घर का काम जरूरी है और घर के काम के लिए महिला कामगार जरूरी है, लेकिन महिला कामगार की स्थिति कैसे कैसे द्वंद्वपूर्ण है, यह बात देखने को बनती है। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि समय इतना ले चुका हूँ कि अब इन मुद्दों पर विचार करने के लिए अपने श्रोता दर्शक साथियों को अवसर देना चाहता हूँ कि वे अपना अनुभव साझा करें कि आखिर क्या है मामला इस अस्मिता का। तो अंत में यह कहना चाहूँगा अंततः कि एक तो जो आज की समर्थ महिलाएं समझती हैं कि विमर्श ने कुछ नहीं किया, तो जरा अपने दो तीन पीढ़ी पीछे की स्त्री दशा को देख ले। दूसरा यह कि पुरुष घर का काम क्यों ना करे, तो इसके पीछे की सोच को समझे कि स्त्री विमर्श ने यदि बोध कराया अपने अस्तित्व का, तो यह ना माने कि घर का जो काम है वह गुलाम वाली स्थिति का काम है। तीसरी बात, यदि महिला कामगार है तो महिला कामगार के प्रति महिला सदस्यों की सदाशयता परिवार में कहाँ तक निभ पाती है, यह देखने की बात है। अगली बात यह है कि महिला कामगारों को भी
प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। और इन सारी स्थितियों के बीच ही एक पुरुष सदस्य भी अपना स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसलिए अंततः जो एक सवाल उलझा हुआ दिखाई पड़ता है, तो क्या महिलाएं अपना काम बाहर का छोड़ दे? अब मैं उस साथी के पास आना चाहता हूं जिन्होंने आज सुबह ही बताया कि जो ऊंचे पद पर कार्यरत है महिलाएं, उसका अनुभव है कि बाहर काम करने से घर बाधित होता है। इसलिए उचित है कि महिलाएं यदि आर्थिक रूप से समृद्ध है परिवार, तो सिर्फ अर्थ की सुविधा के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए परिवार को नजरअंदाज नहीं करें। तो मैं लगे हाथ यह भी कहूंगा कि स्त्री समाज से एक प्रतिक्रिया आ सकती है, तो क्यों नहीं पुरुष ही काम छोड़ दे बाहर का, स्त्री काम करे, घर चलाए, पुरुष देखभाल करे। मैं एक सवाल रखना चाहूंगा इस मामले में कि क्या कोई भी स्त्री बेरोजगार पुरुष से शादी करना चाहेगी? पुरुष पति जितना ऊंचा पद एंजॉय करेगा, उससे कहीं ऊंचा सम्मान स्त्रियां उस पद के आधार पर कैश करेगी समाज में। तो रोजगार से मुक्त या रोजगार रहित पतियों की कल्पना स्त्रियां कर नहीं सकती, और उनके कामकाजी होने पर परिवार बाधित होगा ही होगा। जिस बच्चे में अपने जीवन की सार्थकता तलाशती है, बच्चा पैदा ना हो तो बांझ कहलाती है, वही बच्चा उनके ही मातृत्व से महरूम जीवन जीता है कामवाली के भरोसे। अब सवाल यह है कि हम किसे प्राथमिकता दें, कैसी जरूरतों को हम महत्व दें, तब जाकर अस्मिता की सही समझ बन पाएगी। फिलहाल दोस्तों एक नया विषय है, मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल नया विषय है साहित्य के क्षेत्र में। समाजशास्त्र में बहुत सारे काम हुए हैं, सर्वे हुए हैं, मैंने सर्च किया, वर्ल्ड वाइड सर्वे किया, सर्च किया, मुझे कहीं लिटरेचर में काम वैसा नहीं मिला। इस पर दो लेख हैं तो मेरे ही लेख हैं, और एक आलो अंधारी पर कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन जिन रचनाओं को मैंने चर्चा में लाया, उन रचनाओं पर नज़र अभी गई नहीं है। उम्मीद है कि हमारे जो भी साहित्यकार, आलोचक, अध्यापक या साहित्य प्रेमी बंधु हैं, वे इन रचनाओं को जरूर पढ़ेंगे और अपने ही घर की एक सच्चाई को जानने और समझने का अवसर लाभ कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर अगली किसी मुलाकात में मैं इसके कई और दूसरे संदर्भों को सामने लाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल जितने कमेंट्स आए हुए हैं, उन कमेंट्स को मैं देखूंगा, समझूंगा, और इस दिशा में जो मेरी पहली अपनी इस तरह से लाइव एक पहल है, और चूंकि इस विषय पर कहीं कुछ सुनने को मिला नहीं, इसलिए मुझे भी एक मौका मिलेगा कि ऐसे कमेंट्स से मैं भी लाभान्वित हूँ। अंततः एक बात कि इस लॉकडाउन के दौरान प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी अपने अवकाश का सही इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली में बैठे बैठे, और उन्होंने एक वक्तव्य या व्याख्यान कह ले या अपना अनुभव साझा किया था एक शीर्षक से, स्त्री श्रम और श्रमिक स्त्री। तो स्त्री श्रम को उन्होंने सिर्फ एक तरफ से देखा था, एक पक्ष उसका देखा था, जिस पर लिखा भी गया बहुत है, क्योंकि यही विमर्श का चलन है कि सहानुभूति बरसाते जाओ। लेकिन दूसरा पक्ष, कैसे एक महिला कामगार से पूरा का पूरा परिवार परेशान रहता है, जितना काम करे उतने से संतुष्ट रहो, और नहीं तो छोड़कर चली जाएगी। तो उसका तो कहीं और काम बना हुआ रहता है, लेकिन जहां छोड़कर जाएगी रातों रात काम वाली मिलना मुश्किल है। इसलिए यदि इसे व्यवस्थित करना है, तो सरकार को जो संसद में बिल पड़ा हुआ है, अधिनियम बनने के लिए पड़ा हुआ है प्रस्ताव, उसे जल्द से जल्द एक संवैधानिक रूप दे। जब तक संवैधानिक रूप नहीं पड़ेगा, तब तक काम वाली जो हैं घरेलू कामगार महिला, वो प्रशिक्षित नहीं होंगी, उनके लिए भी सुनिश्चित प्रावधान नहीं बनेंगे, उनके अवकाश के भी नियम नहीं बनेंगे, वे बीमार पड़ेंगी तो जैसे हम सीएल ले सकते हैं, वे भी सीएल ले लें, उनका भी वेतन निश्चित हो,
कार्य की अवधि निश्चित हो या कार्य की अवधि के हिसाब से वेतन हो, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। उनकी भी ट्रेनिंग हो बाकायदा, जैसे टीचरों की ट्रेनिंग है, बीएड ट्रेनिंग है, प्रोफेसरों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स समय समय पर करवाया जाता है, तो महिला कामगारों के लिए भी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की जाने लगेगी, तब किसी का किसी तरह से शोषण की जो बात आती है अब तक, उससे हम समाज को, परिवार को मुक्त पाएंगे, और तब कामवाली के लिए भी यह काम गंदा और छोटा काम नहीं कहलाएगा। फिलहाल इतना ही, बस इस कामना के साथ मैं अपने इस संवाद पहर को अंत कर रहा हूँ, एक नई शुरुआत की उम्मीद में कि हमारे साथ या हमारे उम्र के या हमारी उम्र की जितने ही महिला घरों में हैं, जिनके घरों में महिला कामगार है, काम करती हैं, उनके मामले में एक संतुलन बनाने की कोशिश करें, और साथ ही घरेलू महिला कामगारों की काउंसलिंग की भी व्यवस्था करें। यह काउंसलिंग जितने व्यापक स्तर पर संभव हो पाएगी, हमारे ही घरों की व्यवस्था संभल पाएगी। सिर्फ और सिर्फ कामवालियों का शोषण करना या सिर्फ और सिर्फ घरेलू महिला कामगारों की मनमर्जी से परेशान होकर उसे घर से निकाल देना समस्या का समाधान नहीं है, और यदि इसमें समाधान हम तलाशते रहेंगे तो फिर नई नई समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी। इसलिए यह कामना है कि हमारे घर में जो महिला कामगार है, उसके प्रति हमारा परिवार यदि सहृदय रहे, तो महिला कामगारों को भी प्रशिक्षित करने की कोशिश यथासंभव की जानी चाहिए। धन्यवाद।